सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बेसिक कंपोनेंट ऑफ वीसीआर सिस्टम में एक्सपांशन डिवाइसेस या प्रसारक युक्तियां। इसके लिए एज यूजल हमने हमारी जो पिक्चर बनाई हुई है, इस पिक्चर में ये जो डिवाइस आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन डिवाइस। इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट थ्री पर जो आ रहा है वो है आपका हाई प्रेशर लिक्विड, और यहां से जो निकल रहा है वो है आपका लो प्रेशर वेपर। इसमें हम देखें, इसकी कंडीशन तो लिक्विड ही है, बट इसमें लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है। तो इसका काम बेसिकली यहीं से डिफाइन होता है कि सबसे पहले ये होता है कि इट एक्सपांड द रेफरेंट, रेड कलर से ब्लू कलर, एक्सपांड द रेफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेफरेंट के प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू इवोपरेटर प्रेशर। सो एक्सपांशन दैट मींस डिक्रीजिंग द प्रेशर, कंप्रेसिंग दैट मींस इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो हियर वी आर एक्सपांडिंग, सो इट इज अ एक्सपांशन डिवाइस। इस टॉपिक के जाने के पहले मैंने जैसा आपको वीडियो दिया था, इसके बाद फिर पीडीएफ भी थी और आपने एक्सपांशन डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा। So, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं डेफिनेशन या फंक्शन से कि एक्सपांशन डिवाइसेस क्या है। सबसे पहली चीज, दीज आर द थ्रोटलिंग डिवाइसेस। थ्रोटलिंग डिवाइसेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बोरेटर को ले तो कार्बोरेटर में एक जो आपको जोन मिलता है, नैरो जोन, थ्रोटल जिसको बोलते हैं अपन, वेंचुरी जो मिलती है, वेंचुरी के बीच का हिस्सा जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, फ्लो थ्रू रेस्ट्रिक्टेड एरिया, दिस इज कॉल्ड द थ्रोटलिंग। और हम एक्सीलेटर को थ्रोटल भी बोलते हैं, वहां पर डिस्क को हम आगे पीछे करते हैं कार्बोरेटर में। तो सबसे पहले चीज, प्रसारक युक्ति में हमको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर पैसेज जो होगा वो नेरो हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ थ्रोटलिंग डिवाइस, मतलब इसमें एरिया जो है वो कम होगा। दूसरा, इट रिड्यूसेस प्रेशर और एक्सपांड रेफरेंट, बोथ आर सेम। इफ यू आर एक्सपांडिंग दैट मीन्स रिड्यूसिंग द प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यू कैन राइट हियर हाई प्रेशर, that is the condenser pressure to the evaporator pressure. You can write here, high pressure means, this is the condenser pressure to the low pressure, that means evaporator pressure. And then next one is the, इसके अलावा एक चीज और मिलती है कि it is regulating or controlling the rate of flow of referent. यानी कि इवोपरेटर में कितना रेफरेंट जाएगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, या किस रेट से, मात्रा से वो फ्लो रेट से वो फ्लो होगा, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हम मोटे तौर पर हमको ये दिखता है कि ये केवल प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस है या एक्सपांशन डिवाइस है, बट इट आल्सो रेगुलेट और कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो, कितना जाना चाहिए, और इट इज अ थ्रोटलिंग डिवाइस। कार्बोरेटर इज एन एग्जाम्पल, थ्रोटलिंग मीन्स जस्ट रिड्यूसिंग एरिया। सो दिस इज द, जितनी भी प्रसारक युक्तियां मिलेंगी वहां पर आपको एक रिड्यूसिंग एरिया मिलेगा, और इसके बाद हाई प्रेशर लो प्रेशर कंट्रोल होगा। यहाँ पर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इसी स्टेज पर मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि अभी हमने जो बात की है उसमें एक छोटा सा मैंने पेंट में बनाया हुआ है, हालांकि पेंट में बनाना बड़ा मुश्किल है, बोर्ड पर बड़ी आसानी से बन जाता है, फिर भी मैंने कोशिश की है पेंट पर। ये देखिए, सो एक नाम हम जानते हैं कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब मीन्स इट इज ऑफ द शॉर्ट ऑफ डायमीटर डी, और इसके अंदर का जो एरिया होता है वो कुछ इस शेप का होता है ओवल का, और यहाँ पर ओवल काफी दिखाने के लिए बताया है, इतना ज्यादा ओवल नहीं होता है, और ये जो ये जो है अपना थिकनेस ऑफ कॉइल। तो ये आपने लैब में देखा हुआ है कि जो चूड़ियां बनी हुई थी, बेसिकली दीज आर द कैपिलरी ट्यूब्स। अब इसमें जो प्रेशर जो क्रिएट करना है आपको, ये प्रेशर मेंटेन करना है, कंडेंसर प्रेशर सपोज 6 बार, एवोपरेटर प्रेशर सपोज 2 बार, तो ये 6 बार और 2 बार की वैल्यू डिसाइड करेगी कि कैपिलरी ट्यूब का इनर डाया क्या होगा और उसकी लेंथ क्या होगी। सो डाया टू लेंथ रेशियो विल डिसाइड द प्रेशर विच यू आर मेंटेनिंग। तो यहां पर देखिएगा, हम इसको जो है नैरो पैसेज से गुजार रहे हैं, बहुत कम एरिया से गुजार रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्रोटलिंग डिवाइस मीन्स बहुत कम जगह से गुजार रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें एक्सपेंशन वाल्व, ईवी बॉडी जो है वो बनाई है मैंने। ईवी बॉडी में एक बॉडी रहेगी, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर ब्लू कलर से जो बताया गया है, ये इलास्टिक डायफ्राम या बेलो होंगे। डायफ्राम मीन्स
इस तरह के रबर के बने होंगे जो ऊपर नीचे होंगे, बेलोमीज जो आपने शॉकअप में देखे हैं इस तरह के रबर के बने हुए जो ऊपर नीचे होते हैं, तो डायफ्राम या बेलो होंगे। यहां से जो है कंडेंसर से रेफ्रेंट आएगा, कंडेंसर से ही आता है हाई प्रेशर पर, और यहां से एवोपरेटर में जाएगा और बीच में डायफ्राम रहेगा। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर एरिया ज्यादा और ये रिड्यूसिंग हो रहा है, दिस इज द थ्रोट लिप। बेसिकली ये हर एक एक्सपेंशन डिवाइस में आपको मिलेगा एक्सेप्ट कैपिलरी ट्यूब। तो ये जो रिड्यूसिंग एरिया हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एरिया जो है बेसिकली दिस इज द थ्रोट लिप। सो एक्सपेंशन बॉडी का एक मैंने रॉ पिक्चर बनाया हुआ है, बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे। सो कैपिलरी ट्यूब जस्ट एक रिड्यूसिंग एरिया। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जो हम एज यूजल अपने नोट्स पर ही रहते हैं कि जो हमारे नोट्स कह रहे थे कि एक्सपेंशन डिवाइस क्या है। सो इट इज अ थ्रोटलिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर टू एवपोरेटर और एक्सपांड द रेफ्रेंट, एंड लास्ट वन इज द रेगुलेट और कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रेंट। इसमें आप देखें यहाँ पर कि एक्सपेंशन डिवाइसेस को जो क्लासिफाई जो किया गया है, जो आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है कैपिलरी ट्यूब, उसके बाद है एईवी, एक्सईवी फॉर एक्सपेंशन वाल्व, ए फॉर ऑटोमेटिक स्वचालित प्रसारक द्वार, एईवी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, टीईवी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। यहां पर गौर करिएगा, ये थर्मोस्टेटिक को थर्मोस्टेट से कंफ्यूज ना होइए। आपने एयर कंडीशनिंग में थर्मोस्टेट पढ़ा होगा, जो कि कार के या बॉडी के अंदर, मतलब ऑटोमोबाइल में कार के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो थर्मोस्टेट कहलाता है। उसमें एक सिर्फ एक बल्ब होता है जो टेम्परेचर सेंस करता है। यहाँ पर ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इट इज समवहाट डिफरेंट, ये एक्सपेंशन वाल्व है टीईवी। फ्लो टाइप एक्सपेंशन वाल्व, हाई साइड या लो साइड, और सोलेनोइड एक्सपेंशन वाल्व। तो सोलेनोइड एक्सपेंशन वाल्व ये आपके एग्जाम में, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सोलेनोइड को हमने देखा जाए तो उसमें भी पढ़ा था आपके न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल में लास्ट सेमेस्टर में, और उसका कंसेप्ट यही था कि एक स्टेम होगा या राड होगी, जिस पर एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व होगा, जिस पर यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक कॉइल होगी, इसमें आप सोलेनोइड कॉइल बोलेंगे, इसमें आप जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये शाफ्ट जो है वो आपकी स्प्रिंग के द्वारा नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। आप देखें यहाँ पर, अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये इन है और ये डायरेक्ट आउट भी खुला हुआ है। कई जगह पर इन यहाँ पर से होता है, देखिए आप इन यहाँ पर हो रहा है एक्चुअल थर्मल सोलेनोइड वाल्व में, और इसके बाद ये यहाँ से ऊपर से जा करके ये स्टेम वाल्व का गेट है, और यहाँ से आउट, मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो रहा है, इन देन यहाँ से जाएगा, उठेगा ये आउट। तो इन और आउट यहाँ पर 90 डिग्री पर बताया, डिफरेंस है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बट इसके बीच के रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो है वो ये वाल्व की जो राड है या स्टेम है। तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आर्मेचर कॉइल दी है, क्लोजिंग स्प्रिंग है। ये वाला पिक्चर जो है आपको केवल विजुलाइज करने के लिए बनाया गया है, जबकि ये वाला जो है आपको एक्चुअल में जब आपको एग्जाम में दिया जाए तो सोलेनोइड एक्सपेंशन वाल्व आप उसके बारे में चित्र बना सके। तो सिंपल सा लॉजिक है, सोलेनोइड एक्सपेंशन कॉइल में जैसे आप करंट पास करते हैं तो जो रॉड है ये आपका ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग का वाल्व। बाकी के जो है यहाँ पर टाइप्स हैं, उनके बारे में मैं आपको वीडियो के थ्रू ही डिस्कस करूंगा। वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको वीडियो दिया था, हम उसी पर आते हैं। और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम जो थे वो थे कैपिलरी ट्यूब पर, और कैपिलरी ट्यूब में जो हमने बात की थी उसका सबसे जो पॉपुलर है वो इसलिए है क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू मेंटेन है। लेकिन एक बात है, इसको यूजुअली जब देखा जाता है तो वो देखा जाता है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के साथ, हर एक के साथ इसका उपयोग नहीं होता। अब इसमें सबसे पहली बात ये आती है हमारी कि ये बताया जाए कि इसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है। तो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के कारण। जब आप बहुत नैरो एरिया से गुजारेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो क्या करेगा, प्रेशर को ड्रॉप करेगा। इस कारण से यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज, कितना प्रेशर ड्रॉप करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब एज वेल एज डायमीटर इनका रेशियो। दूसरी चीज, जब ये रेफरेंट निकलता है आपका कंडेंसर से इधर जाता है एवोपेटर में, तो ये फ्लशेज होती है, मतलब इसमें कुछ लिक्विड होता है मैक्सिमम, बट कुछ वेपर्स फॉर्म भी होता है। अब इससे कारण क्या होता है, इनकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम हो जाती है। एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, मास फ्लो रेट तो आप वही कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी जहां बढ़ती है वहां पर भी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो बेसिकली प्रेशर ड्रॉप के कैपिलरी ट्यूब में जो है वो दो रीजन है, यहाँ पर देखा हमने। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे
कि ये जो दो रीजन मैंने बताया आपको, इसके बाद हम आएंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो अब इसके फायदे पे यदि हम बात करें तो फायदे, सबसे पहली बात, बहुत सस्ती, इनएक्सपेंसिव, कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसलिए इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये एक ओपन कनेक्शन प्रोवाइड करती है कंडेंसर एवेपरेटर के बीच में। तो जब ये बंद रहेगा, साइकिल बंद रहेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। तो जो मोटर पे लोड आता है इनिशियली, वो लोड नहीं आएगा क्योंकि कंप्रेसर के दोनों तरफ प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। ये इसकी खासियत है। बट इट इज आइडियली सुटेड फॉर हर्मेटिकली कंप्रेसर बेस्ड सिस्टम जो कि क्रिटिकली चार्ज होते हैं और फैक्ट्री में असेंबल होते हैं। इनका उपयोग कहीं और नहीं कर सकते। तो ये इसकी एडवांटेज, जब भी आपको लिखने को आए तो ये चार पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सबसे सस्ती है, कोई मूविंग पार्ट ना होने के कारण जो मेंटेनेंस इसका ना के बराबर है, और ड्यूरिंग ऑफ साइकिल जब हमारा कंप्रेसर बंद रहता है उस समय पर दोनों तरफ प्रेशर बराबर होने के कारण मोटर पर जो इनिशियल टॉर्क है वो ज्यादा नहीं आता है। बट ये हर्मेटिकली कंप्रेसर में ही ज्यादा सूटेबल है। क्यों है वो अपन आगे बात करते हैं, जो कि क्रिटिकली चार्ज और फैक्ट्री असेंबल्ड होते हैं। अब जहां हमने ये बात की, वहीं पर इसके जो डिसएडवांटेज है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, यदि इतने ज्यादा है तो इसको होना चाहिए हर जगह, बट नहीं, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता फ्लो कंडीशन के हिसाब से। यदि कोई वेरिएशन आ रहा है, जैसे टेम्परेचर का आ रहा है, लोड का आ रहा है, तो ये अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण इसका सीओपी जो है वो यूजुअली कम होता है। दूसरा, यहाँ पर चूंकि नैरो स्पेस है, नैरो ट्यूब है, बोर है, तो यहाँ पर क्लॉगिंग हो सकती है, जम सकता है। मतलब यदि मान लीजिए कोई मॉइस्चर रही और वो प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगी मॉइस्चर। तो इससे कारण क्या होगी, क्लॉगिंग। इसलिए हमको इसमें फिल्टर ड्रायर हमेशा यूज करना बहुत जरूरी है। फिल्टर ड्रायर जिसमें कि ऑयल जो कंप्रेसर से आ रहा है वो, या मॉइस्चर जो है वो कैपिलरी के पहले लगाया जाता है। तीसरी चीज है कि आप साइकिल में ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं रह पाता, बल्कि बराबर रह जाता है। तो उससे कारण क्या होता है, एवेपरेटर आपका हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये लिक्विड फॉर्म जो है वो आपका जो है कंप्रेसर में जा सकता है। और कंप्रेसर में जाने के कारण आप देखेंगे कि इसमें जो है ये बहुत दिक्कत हो जाएगी यदि वहां पर हम रेफ्रिजरेंट को लिक्विड स्टेज में भेजें, तो वो स्लगिंग हो जाएगी कंप्रेसर। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज डिसएडवांटेज, इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर्स। तो ये था हमारा कैपिलरी ट्यूब का पिक्चर, मैंने बना दिया है, उसके रीजन बता दिया कि कैसे प्रोडक्ट रिड्यूस करती है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस पर डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस पर कर लिया। अब ये चित्र आपको बनाना है जो अब अगला पढ़ रहे हैं अपन, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में देखिए आपका ये बॉडी है, जो मैंने जैसे बताया था बॉडी है पूरा, यहाँ पर इसको ऐसा घुमा दिया है बताने के लिए कि ये डायफ्राम है। डायफ्राम मैंने बताया था स्पेशली, डायफ्राम मतलब जो ऊपर नीचे हो सकता है इलास्टिक मटेरियल का है, और यहाँ से बॉडी को क्लोज कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक स्क्रू और स्प्रिंग लगी होती है जो कि डायफ्राम को ऊपर से प्रेशराइज करती है, स्प्रिंग प्रेशर। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और जितने पर एडजस्ट कर देंगे तो उसी पर ऑपरेट होता रहेगा, इसलिए ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व कहलाता है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व मतलब इट विल एडजस्ट इटसेल्फ इस डायफ्राम में। अब यहां पर देखिए आप, ये कंडेंसर से जब आ रहा है तो यहाँ पर एक छन्नी लगा रखी स्ट्रेनर, जिससे कि मॉइस्चर या जो आपके ड्राई मॉइस्चर हुआ, ऑयल हुआ, या कोई सॉलिड पार्टिकल हो तो वो रुक जाए। इसके बाद यहाँ से चलेगा, तो ये आप देखिए नैरो स्पेस से हम गुजार रहे हैं थ्रोटलिंग वाला, और यहाँ पर ये बाल्ब की सीट है, ये बाल्ब का स्टेम है, यहाँ पर ये फॉलो अप स्प्रिंग है सिंपली जस्ट टू रिटर्न इट, और यहाँ से आपका एवोपरेटर में जा रहा है। तो जो मैंने एक्चुअल बॉडी बनाई थी आप उससे सिनोनिमस करें, तो यहाँ से कंडेंसर से आ रहा है थ्रू स्ट्रेनर, यहाँ से एवोपरेटर की ओर जा रहा है। ये आपका नैरो स्पेस या थ्रोटलिंग डिवाइस है, थ्रोटलिंग नैरो एरिया है, यहाँ पर आपकी बाल्ब की सीट है, ये बाल्ब स्टेम है, और इस तरफ जो है पूरा स्प्रिंग लगा है जो कि एडजस्टेबल है स्क्रू के द्वारा। ये निडल जो कनेक्ट कर रही है डायफ्राम को बाल्ब की सीट से, ये फॉलो अप स्प्रिंग। अब इसकी वर्किंग में देखिए आप क्या होगा कि हमको जो प्रेशर चाहिए हो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी रेफरेंट है उसमें आप देखेंगे, तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इसको, एडजस्ट हो जाएगा। अब बैलेंस किस चीज का होता है कि एवोपरेटर का प्रेशर बराबर होता है स्प्रिंग का प्रेशर, मतलब स्प्रिंग के प्रेशर और एवोपरेटर के प्रेशर में एडजस्टमेंट चलता है, इससे कारण फ्लो मेंटेन होता है। कंडेंसर से आएगा, यदि मान लीजिए एवोपरेटर में लोड ज्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो डायफ्राम नीचे की ओर आएगा,
यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, स्प्रिंग का प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आने के कारण ये जो वाल्व सीट है वो नीचे की ओर आएगी और यहाँ से आपका रेफरेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये रेगुलेट कर रहा है जबकि कैपिलरी ट्यूब रेगुलेट नहीं करती, देखिए आप यहाँ से, और यहाँ से चला जाएगा एवोपेटर। उसका रिवर्स देखें, एवोपेटर में यदि मान लीजिएगा कि लोड कम हो गया, यानी वहां पर कूलिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये एवोपेटर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण क्या होगा कि डायफ्राम जो है आपका ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ये वाल्व जो फॉलो अप स्प्रिंग है उसके कारण ये जो वाल्व ऊपर की ओर आएगा और कम होता जाएगा, तो यहाँ पर फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। तो एज पर यदि आप देखें यहाँ पर जो रेगुलेशन जो हो रहा है वो रेगुलेशन आप यहाँ पर देखें तो ये पाएंगे कि यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप भी हो रहा है साथ साथ में रेगुलेशन भी हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसके बाद हम आगे देखें, आगे बढ़ने पर हम पाएंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट बने हमारा थर्मोस्टेटिक। थर्मोस्टेटिक भी सिमिलर है, उसमें डायफ्राम की जगह पर बेलोज लगा दिया गया है। बेलोज पे यदि हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे, देखिए फिर से वही बॉडी है, यहाँ से कंडेंसर से प्रेशर है, यहाँ पर वो निडल है, यहाँ पर एवोपरेटर है, यहाँ पर डायफ्राम की जगह पर इस तरह का बेलो जो मैं बोल रहा था ना आपको कि जैसा आप देखते हैं अपने शॉकअप में बाइक के आगे की तरफ बेलोज रहते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, तो ये बेलोज है। इसमें एक और डिफरेंस है कि जो स्प्रिंग पहले ऊपर से लगी थी अब वो ऊपर से ना लग करके नीचे की ओर लगी हुई है। आप देखिए यहाँ पर कहाँ लगी है, नीचे की ओर लगी हुई है, मतलब स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ थी वो नीचे की तरफ थी। अब डायफ्राम में आप देखेंगे कि डायफ्राम में जो चल रहा है वो नीचे से कौन कौन से प्रेशर आ रहा है, एक तो एवोपेटर का है, दूसरा ये स्प्रिंग का है, दोनों प्रेशर नीचे से है, ये एडजस्टेबल है। फिर अपोजिट में क्या है, अपोजिट में एक बल्ब गया है, कैपिलरी ट्यूब पतली सी और उसमें एक बल्ब है, बल्ब में एक लिक्विड फिल है, लिक्विड फिल लिक्विड ऐसा है कि यदि मान लीजिए ये एवोपेटर कॉइल से निकला और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब यहाँ पर जो भी लिक्विड है वो वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो ये एवोपरेटर प्रेशर यहाँ पर देगा, ये वेपर वी लिखते हैं कई जगह पर, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बेलोज जो है नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो आपका ये सीट खुलेगा और यहाँ से रेफरेंट इन होगा। अब रेफरेंट बढ़ गया, रेफरेंट इसके अंदर जाएगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो अब ये वाले बल्ब में जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर से फिर से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होने के कारण क्या होगा, लिक्विड होने के कारण फिर से आपका जो है ये वापस आएगा, वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम होने से एवोपेटर और स्प्रिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और ये वाल्व जो है बंद होने की पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में स्प्रिंग ऊपर से थी, इसमें ऊपर से ये एक बल्ब है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है और स्प्रिंग जो ऑटोमेटिक है वो आपके नीचे की ओर लगी हुई है, ये हमारा कहलाता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो बेसिक डिफरेंस ये है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व थर्मोस्टेटिक में, ये फिगर है आपके क्यूए में और आसान दिए हुए हैं, बना सकते हैं आप, इतना डिजाइनर बनाने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यहाँ से सेंस करता है थर्मोस्टेटिक कि आउटलेट पर टेम्परेचर में क्या है, ये 0 से 5 डिग्री के बीच में सेंस करता है कि यदि आउटलेट 0 है तो फिर ये कम करेगा और यदि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होगा और रेफरेंट देना शुरू करेगा और इस तरीके से ये 0 से 5 डिग्री के बीच में यहाँ पर ये, इसको हम डिग्री ऑफ सुपरहीट भी बोलते हैं, जिसको मेंटेन करता है और उसके हिसाब से ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को चलाता है। तो ये था हमारा चौथा वाला, पहला हमने सोलेनाइड वाल्व पढ़ा, दूसरा कैपिलरी ट्यूब पढ़ा, तीसरा एईबी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, चौथा हमने देखा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। अब इसके बाद हम आते हैं फ्लोट पर। फ्लोट आप लोगों ने देखा होगा कि अपने कॉलेज में जो वाटर कूलर्स हैं उसमें भी फ्लोट लगे होते हैं और फ्लोट को आप देखें तो ऐसा होता है कि जो कि एक लेवल आने के बाद इनकमिंग को बंद कर देते हैं, फ्लोट का काम इतना ही रहता है बस, है ना। देखिए कुछ इस तरह का चित्र होता है फ्लोट का, फ्लोट ये देखिएगा आप, फ्लोट का चित्र कुछ इस तरीके का है कि ये आपका है यहाँ पर बंद है, यहाँ से कंडेंसर से आया आपका लिक्विड और ये एक फ्लोट वाल्व है, फ्लोट तैरने वाला, और ये फ्लोट वाल्व जो है रेगुलेट करता है इस फ्लोट वाल्व को, ये आपका एक्सपेंशन डिवाइस है, दिस इज एक्सपेंशन डिवाइस, और ये जा रहा है एवोपेटर में। तो मतलब अब ये फ्लोट जो है ये कहाँ लगा है, कंडेंसर साइड, तो इसको बोलेंगे हाई साइड, लेकिन यदि ये इस तरफ को लग जाए तो उसको बोलेंगे अपन लो साइड। तो ये क्या मेंटेन करता है, कांस्टेंट लिक्विड लेवल मेंटेन करता है जिससे कि लिक्विड ही जो है वो फ्लोट वाल्व में जाए और जो फ्लैश चैम्बर में मतलब जो आपका वेपर होंगे वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, कंप्रेसर में। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो है लिक्विड ही एवोपेटर में जाएगा, वो वहां चला जाएगा, बस अंतर ये है कि फ्लोट वाल्व यदि इस तरफ को लगा है तो वो हाई साइड कहलाएगा और एक्सपेंशन वाल्व फ्लोट वाल्व इस तरफ लगा है तो वो लो साइड कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो देखे हैं
वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन डिवाइसेस देखें जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और इस तरीके से जो हमारा काम था कि मैं फिर से अपने लेसन प्लान को देख लेता हूँ एक बार, कि जो हमें समझना था वो ये था कि सबसे पहले हमको एक्सपेंशन डिवाइसेस क्या है, उनके फंक्शन क्या है इसके बारे में हमने समझा। उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में कैपिलरी ट्यूब, इसका फिगर, फंक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का फिगर और उसकी वर्किंग, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व उसका फिगर और वर्किंग, फ्लो टाइप में हाई साइड टुवर्ड्स कंडेंसर या टुवर्ड्स एवेपरेटर लो साइड फ्लोट वाल्व, और आखिरी में सोलेनोइड। इसमें जो एग्जाम में आते हैं शायद ऑटोमेटिक आता है, थर्मोस्टेटिक को थर्मोस्टेट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, थर्मोस्टेट आए STAT, बस थर्मोस्टेट मतलब ये आपका एयर कंडीशनिंग में जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो, यदि थर्मोस्टेटिक और एक्सपेंशन वाल्व बजाय तो फिर आप इस चीज को लिखिएगा, मतलब वो एक्सपेंशन डिवाइसेस का। तो सोलेनोइड एक्सपेंशन वाल्व हम देख चुके हैं, इस तरीके से हम देखें आज हमने डेफिनेशन, फंक्शन, पर्पज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंशन डिवाइसेस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हमने आज जो हमको पढ़ना था क्लास में उसके बारे में हमने बात की है। अब मैं ये चाहूंगा कि आप चैट के माध्यम से, या मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूं तो हम प्रश्नोत्तर कर लें, जिससे कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हों